हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप आई एम ऑडिबल प्रॉपरली। ओके, चलो तो फिर लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट क्लास फॉर एफएमपी। दिस पेपर इज बेसिकली गोइंग टू बी ऑल अबाउट फाइनेंस एंड कैपिटल मार्केट्स प्राइमरली। एंड हम लोग स्टार्ट करेंगे सेंटर ऑफ कैपिटल मार्केट्स बैंक से। स्क्रीन दिख रहे सबको? एंड आई होप एवरीवन इज कंफर्टेबल विथ सम हिंदी हियर एंड देयर। ग्रेट। चलो तो वी विल कीप दिस क्लासेस वेरी वेरी इंटरैक्टिव बिकॉज ऑल ऑफ यू आर अपियरिंग फॉर एफआरएम। कहीं ना कहीं आप लोग को आई एम श्योर बेसिक लेवल नॉलेज होगा अबाउट दिस वर्ल्ड। तो अकॉर्डिंग टू यू ऑल, व्हाट डू बैंक्स डू? व्हाट इज द बिजनेस मॉडल फॉर बैंक्स? प्लीज अनम्यूट योर सेल्स एंड आंसर, क्योंकि इट्स अ लिटिल इनकन्वीनियंट बार बार चैट बॉक्स में जाके चेक करना। They simply take in deposits and lend out loans to the ones okay, that need loans. And how do they earn money? By the difference of interest. Okay, very good. तो बेसिक मॉडल जो होता है बैंक्स का, लाइक एकदम अगर हम लोग ग्राउंड लेवल बात करें, बैंक्स एक्सेप्ट मनी और एक्सेप्ट डिपॉजिट। एंड ये जो डिपॉजिट्स होते हैं इनको यूज करके दे एडवांस लोन्स। अब ऑब्वियसली वी नो कि डिपॉजिट्स एंड लोन्स दोनों आर ऑफ लॉट्स ऑफ टाइप्स। डिपॉजिट्स कैन बी इन द नेचर ऑफ fixed deposits, current account, savings account, recurring deposits, etc. Plus, they can also raise, they can also issue bonds, etc. But mainly, let's focus on business. So, revenue operations mein, ye sab hota hai sources of deposits. And then, using these funds, they advance loans, which means the money which they are getting, let's say, deposits pe, if they are paying, maan lo savings bank pe, approximate 4% return hota hai. I'm talking about India and FD pe maan lo 6-7%, 7% ki tarah. Okay, roundabout ye rates rehte hain. Jo loans un log advance karte, which means the money which they are getting, then they are giving it to other people to use it. To wo loans un log dete hain, depending on what loan it is, they can give at 9%, they can give at 11%. Alag alag loans ka alag alag rates hote hain. Okay, some loans are very low interest rates also, but it's all dependent on what kind of loan it is, what kind of tenure, purpose, etc. Okay, so ye jo difference hai, this difference is called net interest margin. Net interest margin. Ye jo net interest margin hai, this is the profit for the bank. This is the profit for bank. Is profit mein in log in they use this for profitability, administration costs, everything. Okay, matlab you can think ki somewhat gross profit samajh sakte ho aap isko bank ka. Okay, but banks don't do just this. Iske alawa also there are lots of services which they provide to their customers. Okay, primarily banks को
टू में डिवाइड किया जाते हैं. वन इज कमर्शियल बैंकिंग, जहाँ पे ये वाला काम होता है मेनली, लाइक दिस इज द मेन बिजनेस फॉर कमर्शियल बैंकिंग. एंड द अदर इज इन्वेस्टमेंट बैंकिंग. ओके चलो, कमर्शियल बैंकिंग तो हम लोग कर लिए. कमर्शियल बैंकिंग का भी टू टाइप्स होते हैं, देर इज रिटेल एंड देर इज होलसेल. जब हम लोग नॉर्मल मार्केट्स का भी बात करते हैं, इफ वी टॉक अबाउट एनी इंडस्ट्री, रिटेल एंड होलसेल में क्या होता है, रिटेल में होता है दैट डायरेक्टली कस्टमर के पास जा रहे हैं सर्विसेज या प्रोडक्ट्स. होलसेल में इट इज गोइंग टू सम अदर बिजनेस विच इज यूजिंग द प्रोडक्ट्स और सर्विसेज टू फर्दर प्रोवाइड टू समवन एल्स. एंड क्या होता है होलसेल का होल मॉडल इज दैट कॉस्ट्स आर लोअर बिकॉज वॉल्यूम इज हाई. होलसेल का यही फंडा होता है दैट कॉस्ट्स विल ऑलवेज बी लोअर बिकॉज इकोनॉमीज ऑफ स्केल होगा एंड वॉल्यूम होगा. ओके तो यहाँ पे भी यही होता है कि रिटेल बैंकिंग जो है वो यूजुअली केटर करता है टू कस्टमर्स डायरेक्टली. कस्टमर्स एज इन द क्लाइंट्स आर यूजुअली इंडिविजुअल क्लाइंट्स या फिर स्मॉलर क्लाइंट्स. होलसेल बैंकिंग में दे टारगेट बिग कॉर्पोरेट्स, बिग कॉर्पोरेट्स, बिग ऑफिसेस, जहाँ पे दे प्रोवाइड अ बंडल ऑफ सर्विसेज. एंड वो पूरा बंडल ऑफ सर्विसेज में उन लोग को बेनिफिट क्या होते हैं, दे डू इट एट लोअर रेट्स बट उन लोग का पर जो भी बोलो डॉलर में बात करते हैं, अगर पर डॉलर एडमिन कॉस्ट, पर डॉलर एडमिन कॉस्ट गोज डाउन बिकॉज एक सिंगल सोर्स से उनको बहुत बिजनेस मिल रहे हैं. राइट, व्हाट इज इन्वेस्टमेंट बैंकिंग अकॉर्डिंग टू यू ऑल? यस एनीवन? बहुत ही ट्रेंडिंग टर्म है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग. एनी आइडिया व्हाट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इज अबाउट? What happens in IBs? No. Okay. तो देखो, investment banking is a completely different scenario from commercial banking. Investment banking में क्या क्या काम होते हैं? Investment banking में we have things like raising capital. Investment banking आप समझ लो is somewhat of इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड वर्क नंबर वन एंड नंबर टू एडवाइजरी सर्विसेज. ओके तो इट हेल्प्स इन रेजिंग कैपिटल वेदर इक्विटी और डेट. तो कंपनीज इनके पास जाते हैं टू इन्वेस्टमेंट बैंक. इनफैक्ट कोई भी कंपनी जब IPO लॉन्च करते हैं तो दे विल अप्रोच एन इन्वेस्टमेंट बैंक फॉर नंबर वन समझने के लिए कि क्या रूट से रेज करना चाहिए, कितना कैपिटल रेज करना चाहिए, एट्सेट्रा. So all of these things are done by an investment bank. Then they have advisory, especially on topics like mergers and acquisitions. तो अगर आज कोई business को किसी और business को acquire करने, तो they will obviously need advisory. You cannot get up one fine day and say कि आज मेरे को let's say Reliance को कोई business को acquire करने. Reliance has been acquiring very very aggressively. So if Reliance wants to acquire some business or they want to merge another business into their own entities, so they will have to obviously number one decide ki kaun se business ko karna hai acquire, number two they will have to decide how to approach them, number three they'll have to decide on a purchase consideration ki कितना रुपया देके, क्योंकि कोई भी अपना बिजनेस ऐसे ही नहीं देगा. यू विल हैव टू पे सम वैल्यू टू इट. तो वो कितना होना चाहिए, व्हाट शुड बी द परचेज कंसिडरेशन, एंड आफ्टर दैट आल्सो कि वो परचेज कंसिडरेशन कैसे दिया जाए. सारा टर्म्स एंड कंडीशंस ले डाउन करने के लिए एडवाइजरी सर्विसेज मिलेगा. परचेज कंसिडरेशन कैसे हो सकते हैं, आज अगर कोई बिजनेस दूसरे बिजनेस को अक्वायर कर रहे हैं, सो देर आर multiple ways in which they will pay out the
ओल्डर बिजनेस. पहला वे होता है कि उन लोग सीधा कैश देती है, विच मीन्स जो भी प्रमोटर्स हैं या जो भी शेयर होल्डर्स हैं ऑफ लेट्स से मान लो कंपनी एक्स है एंड कंपनी वाई है. कंपनी एक्स वॉन्ट्स टू अक्वायर एक्स. यस. तो लेट्स से अगर कंपनी एक्स है वो कंपनी वाई को अक्वायर करना चाहते हैं, तो कंपनी एक्स कैन ईदर गिव कंपनी वाई कैश. और वाई तो एक कंपनी है, तो किसको देगा कैश? शेयर होल्डर्स एंड प्रमोटर्स को. जो भी होगा शेयर होल्डर्स प्रमोटर्स एंड डायरेक्टर्स और एम्प्लॉइज, मेनली इन पे फोकस किया जाता है ऑन एनी एक्विजिशन. कैश दे दिया. सेकेंड ऑप्शन इज जो मर्ज्ड एंटिटी होगा एक्स वाई, लेट्स से मर्ज्ड एंटिटी एक्स वाई होगा, उसका शेयर्स दे दिया, शेयर्स ऑफ एक्स वाई दे दिया टू द शेयर होल्डर्स इन सम रेशियो. अब वो रेशियो कैसे डिसाइड होगा? यूजुअली अभी आई एम जस्ट गिविंग यू ऑल अ ब्रॉड आइडिया ऑफ व्हाट हैपेंस. यूजुअली क्या होते हैं, वाई का बैलेंस शीट होते हैं, राइट? यहाँ पे एसेट्स होगा, यहाँ इक्विटी होगा, यहाँ लाइबिलिटीज होगा. अब ऑब्वियसली बहुत सारा एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऐसा होगा जो रीवैल्यू करना पड़ेगा आफ्टर रीवैल्यूएशन, आफ्टर सीइंग व्हाट लाइबिलिटीज आर एक्चुअली गोइंग टू बी इन, व्हाट एसेट्स आर एक्चुअली गोइंग टू बी इनकैश्ड, what liabilities actually have to be met, sub valuation hone ke baad. Broadly, they arrive at an asset minus liability position, plus plus koi agar premium dena hai. If any premium has to be paid, kyunki obviously premium kyun denge? Aaj agar maan lo Reliance garments mein, theek hai, garments mein hai. If they want to acquire a, let's say, cotton mill or cotton factory, तो ये क्या होएगा? Reliance के लिए synergy है. There is synergy, very important word in M&A. Synergy क्या होते हैं कि जब two businesses मिल रहे हैं तो it's like x plus y is less than xy. Which means the entity, वो जब एक्स वाई बन जाएगा उसका वैल्यू ज्यादा होगा as compared to individually their values, okay? तो shares दे देंगे एक्स वाई का, depending on जो भी ratio decide होगा, जो भी value decide होगा, या फिर they can also put in terms and conditions in the contract. बहुत बार क्या होते हैं, directors को बोल दिया जाता है, directors को कुछ ESOPs दे दिया जाता है, या फिर डायरेक्टर्स को कोई ऐसा बेनिफिट दे दिया जाता है कि लेट्स से अगर कमिंग थ्री इयर्स में हम लोग का जो अर्निंग पर शेयर है वो मान लो 20 रुपीज से ज्यादा हुआ, देन वी विल गिव यू जेड बेनिफिट. ठीक है, ये सब टाइप से दिए जाते हैं. जो ये मर्जर एंड एक्विजिशन होगा, ये सारा चीज जो है सिनर्जी का वैल्यू डिसाइड करना, ये ए माइनस एल प्लस प्रीमियम डिसाइड करना, स्पेशली प्रीमियम डिसाइड करना, एसेट्स लाइबिलिटीज को रीवैल्यू कराना, डिसाइड करना कि किस फॉर्म में हम लोग का परचेज कंसिडरेशन जाएगा, ऑल ऑफ दीज आर डन बाय द इन्वेस्टमेंट बैंकिंग विंग ऑफ ऑल द बैंक्स. ठीक है, एंड फाइनली एक और है ब्रोकर डीलर सर्विसेस, विच मीन्स क्लाइंट्स के बिहाफ पे ब्रोकिंग भी हो सकते हैं. ब्रोकर्स क्या होते हैं कि आज फॉर एग्जाम्पल आपका डीमैट अकाउंट है, यू विल ऑलवेज ओपन अ डीमैट अकाउंट विथ सम ब्रोकर, क्योंकि आप डायरेक्टली NSDL CDSL पे नहीं करोगे. देयर विल ऑलवेज बी अ ब्रोकर इन बिटवीन जो आपके बिहाफ पे ट्रेड्स करेगा, क्योंकि उसके पास लाइसेंस है. लाइसेंस आपके पास नहीं होता है. License is with the broker.
ब्रोकर विल डू इट ऑन योर बिहाफ, आप जो भी ट्रेड करना चाहते हो, एंड द ब्रोकर विल चार्ज अ ब्रोकरेज फी. ओके, एनी डाउट्स अप टिल योर? क्लियर है कि क्या हो रहा है? एनीथिंग जो आपको लग रहा है कि बहुत इनडेप्थ है या फिर और इनडेप्थ चाहिए कुछ? नहीं, इट्स फाइन. ओके, चलो. नाउ ये तो हो गया बैंकिंग का ओवरव्यू कि बैंकिंग में होता क्या, राइट? नाउ लेट्स लुक एट द रिस्क्स इन बैंकिंग. आप लोग के हिसाब से बैंक्स को क्या रिस्क होगा? एक 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 एग्जांपल देते हैं. ओके, चलो. बैंक्स के पास मान लो $100 million पड़ा हुआ है. बैंक उसको किया इन्वेस्ट. मान लो लेट्स से इट इन्वेस्टेड इन ट्रेजरी बॉन्ड्स या ट्रेजरी बिल्स एंड थोड़ा सा इक्विटी. थोड़ा सा इक्विटी खरीद लिया, थोड़ा सा टी-बिल्स खरीद लिया. यहाँ पे इस एक्टिविटी से, क्योंकि ऑब्वियसली बैंक के पास भी सरप्लस फंड तो पड़ा हुआ हो ही सकते हैं, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज होते हैं बैंक से. व्हाट रिस्क विल अराइज फ्रॉम योर इक्विटी में? मार्केट रिस्क रहेगा. ओके, वेरी गुड. मार्केट रिस्क. बैंक्स आर एक्सपोज टू हाई लेवल्स ऑफ मार्केट रिस्क. ये इक्विटी में हुआ. सिमिलरली बैंक्स ऑल्सो डील इन अ लॉट ऑफ फॉरेक्स. दे गिव फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज ऑल्सो. तो वहां पे बिकॉज ऑफ एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस अगेन मार्केट रिस्क विल कम इन. कमोडिटीज में अगर इन्वेस्ट किया है वहां पे भी मार्केट रिस्क है. इंटरेस्ट रेट, पूरा बैंक इंटरेस्ट रेट पे चलते हैं. टीबिल्स में भी अगर करेंगे, चलो टीबिल्स में फिर भी शॉर्टर टर्म होते हैं तो इंटरेस्ट यूजुअली मोर और लेस फिक्स रहते हैं. बट बैंक्स ऑल्सो इन्वेस्ट इन लॉन्गर टर्म, फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स, ये सब में भी करते हैं. तो इंटरेस्ट रेट्स भी चेंज होंगे, तो इसीलिए वहां से भी मार्केट रिस्क आएगा. तो ऑल ऑफ दीज वेरिएबल्स, तो आई एम जस्ट राइटिंग एग्जाम्पल. इक्विटी प्राइसेस, इंटरेस्ट रेट्स एंड फॉरेक्स, ये थ्री मेन होते हैं. ये थ्री मेन सोर्सेस होते हैं फॉर मार्केट रिस्क इन एनी बैंक, राइट? Yes, got it. अब एक बैंक है, मान लो लेट्स से वो डिपॉजिट लिया 5 years का डिपॉजिट है, विच मीन्स आफ्टर 5 years द बैंक हैज टू रीपे द मनी. लेट्स से $10 million का डिपॉजिट है, 5 साल के बाद बैंक को रिटर्न करना है ये मनी. चलो 10 million ज्यादा हो गया थोड़ा, लेट्स कीप इट एट 1 million. 1 million का डिपॉजिट है फॉर 5 years. 5 years बाद बैंक विल हैव टू रिटर्न द मनी. नाउ ये जो रुपया है बैंक के पास, ही 1 million वो 5 years तक अपने पास तो रखेगा नहीं. इट विल यूज इट टू एडवांस लोन्स. इट विल यूज इट टू एडवांस लोन्स. अकॉर्डिंग टू यू क्या टाइप का लोन बैंक को एडवांस करना चाहिए इन ऑर्डर टू प्ले सेफ? टू टू थ्री इयर्स का या फिर मैक्सिमम 4? टू टू थ्री इयर्स या मैक्सिमम 4 years.
ओके एनीवन एल्स? ठीक है, देखो, आइडियली बैंक्स शुड एडवांस लोन्स ऑफ अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 years. इसको हम लोग बोलते हैं एसेट लाइबिलिटी मैचिंग. दिस इज कॉल्ड एसेट लाइबिलिटी मैचिंग. वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन फाइनेंस. ओके, जब भी आप इन्वेस्टमेंट्स के बारे में पढ़ोगे, ALM इज ऑलवेज गोइंग टू कम अप. क्योंकि ALM के हिसाब से क्या होना चाहिए, आपके जो लाइबिलिटीज हैं, योर एसेट्स शुड फॉलो द पाथ ऑफ योर लाइबिलिटीज एज मच एज पॉसिबल. तो क्या होगा, लेट्स से अगर हम लोग, चलो 2 years इज लाइक मिड रेंज. मान लो अगर जो बैंक है वो देता है 1 year loan, ठीक है, 1 year loan दिया, 1 साल के बाद बैंक के पास ही रुपया वापस आ गया, फिर उसके बाद बैंक क्या करेगा, 4 years और बैंक को यूज करना है, तो हम लोग बोलेंगे ठीक है एक और 1 year loan दे देगा, एक और 1 year loan दे देगा. अब क्या होता है, आप लोगों को क्या लगता है, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म लो इंटरेस्ट रेट्स कब हायर होते हैं लोन पे? शॉर्ट टर्म लोन पे ज्यादा हाई होते हैं कि लॉन्ग टर्म पे ज्यादा हाई होते हैं? लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म पे ज्यादा हाई होते हैं, राइट? तो लॉन्ग टर्म लोन्स पे ज्यादा. अच्छा, एनीवन, व्हाई लॉन्ग टर्म पे क्यों ज्यादा हाई होंगे? मे बी बिकॉज रिस्क ज्यादा है डिफॉल्ट का ओवर राइट, पीरियड. रिस्क ज्यादा है, हाँ, तो इसीलिए लॉन्ग टर्म में इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिलते हैं. बट एट द सेम टाइम रिस्क इज ऑल्सो वेरी हाई इन लॉन्ग टर्म, कंपेरेटिवली हायर इन लॉन्ग टर्म. प्लस जो लॉन्ग टर्म लोन्स, एक सेकेंड, जो लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं उनको फंड करना इज टफ, बिकॉज आपको लॉन्ग टर्म के लिए क्लाइंट्स बहुत मुश्किल से मिलेंगे. शॉर्टर टर्म के लिए, लेट्स से अगर आपको 3 months 6 months के लिए अगर देना है, तो उसके लिए आपको ज्यादा ऑप्शंस मिलेंगे. सो बिकॉज ऑफ दिस द बैंक मे गेट टेम्पटेड, एंड प्लस बैंक को लगता है कि 3 months में रिस्क भी लोअर है, तो इसीलिए उन लोग क्या करेंगे, दे माइट गेट टेम्पटेड एंड दे इशू 1 year loan. उन लोग 1 year loan इशू कर दिए, बट 1 साल बाद जब रुपया वापस आया, मान लो फर्स्ट टाइम उन लोग 1 year loan दे दिए एट 8% पर एनम, अगली बार तक हो सकते हैं 1 साल बाद तो उन लोगों को पूरा टर्म्स रिन्यू करना पड़ेगा. देन इट माइट हैपन कि मार्केट रेट्स के हिसाब से 7.5% पे ही डाल पा रहे हैं हम लोग लोन. दिस इज वन रिस्क, इसको बोलते हैं री इन्वेस्टमेंट रिस्क. ये कस्टमर साइड से ज्यादा होते हैं, बट बैंक ऑल्सो फेस इट, क्योंकि उन लोग अगर मैच नहीं कर पा रहे हैं तो री इन्वेस्टमेंट रिस्क अराइज होगा. प्लस एक और चीज होगा, एक और चीज बैंक कर सकते हैं. वॉट बैंक कैन डू इज, बैंक को अपना लिक्विडिटी मेंटेन करना होता है. दे हैव टू मेंटेन सर्टेन लिक्विडिटी अमाउंट, रेशियोज मेंटेन करने होते हैं कि इतना परसेंट लिक्विडिटी होना चाहिए आपके बुक्स में. इसको मेंटेन करने के लिए दे कैन ऑल द मोर इशू, लेट्स से 3 month bills, 3 month bills इशू कर सकते हैं टू रेज द फंड्स. ओके, ये अभी हम लोग बात कर रहे हैं ऑपोजिट सिनेरियो का. ऑपोजिट सिनेरियो क्यों, मान लो बैंक को देना है, दे वॉन्ट टू एडवांस. अभी हम लोग स्टार्ट किए थे कि हम लोग के पास डिपॉजिट है, उसको हम लोग को यूज करने हैं. दिस टाइम वी स्टार्ट विद बैंक वॉन्ट्स टू एडवांस, लेट्स से 5 million loan फॉर 5 years.
अब इसके लिए बैंक को फंडिंग उठाना पड़ेगा। बैंक आइडियली क्या करना चाहिए, बैंक को 5 इयर्स का डिपॉजिट लेना चाहिए। दिस इज द आइडियल वे। बट अगेन 3 month bills आर मोर लिक्विड, 3 month bills आर मोर लिक्विड, दे आर सेफर, दे आर लोअर कॉस्ट, ऑल बेनिफिट्स इन 3 month bills। उन लोग क्या किए, 3 month bills इशू किए, उन लोग को लगा कि आफ्टर 3 months दे विल हैव टू रीपे दीज बिल्स, करेक्ट। जो भी रुपया दिया बैंक को उसको बैंक को वापस देना पड़ेगा 3 महीना में। बैंक को लगा वी विल री इशू आफ्टर 3 months एंड यूज प्रोसीड्स टू रीपे, यूज प्रोसीड्स टू रीपे, राइट। ये बैंक का प्लानिंग था। व्हाट अबाउट डिफॉल्ट रिस्क नंबर 1 एंड नंबर 2? चलो डिफॉल्ट रिस्क यहाँ पे, डिफॉल्ट रिस्क के लिए वी लुक एट अनदर एग्जाम्पल। बट हाँ अगेन यहाँ पे एग्जैक्टली री इन्वेस्टमेंट रिस्क नहीं, बट ये रिस्क जरूर अराइज होएगा कि बैंक को सेकेंड राउंड ऑफ फंडिंग सेम रेट पे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बैंक क्या करने का कोशिश कर रहा है, दे आर ट्राइंग टू रोल ओवर द बिल्स कि 3 3 months का आ रहा है उसके लिए वी आर इशूइंग अनदर सेट ऑफ 3 months एंड यूजिंग इट टू रीपे। तो उन लोग रोल ओवर करने का ट्राई कर रहे हैं, बट हो सकता है हमेशा कि रोल ओवर सेम रेट पे नहीं हो, तो रोल ओवर रिस्क आएगा। ओके तो अभी तक वी हैव डन मार्केट रिस्क, री इन्वेस्टमेंट रिस्क, रोल ओवर रिस्क। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बैंक्स लोन्स देते हैं, उनका पूरा काम डिपेंड करता है लोन्स पे। व्हाट इज द बिगेस्ट रिस्क ओवर हियर? आप किसी को भी रुपया दे रहे हो तो आपके लिए सबसे बड़ा रिस्क क्या है? डिफॉल्ट करने का। डिफॉल्ट करने का। तो क्रेडिट रिस्क और डिफॉल्ट रिस्क, दिस इज ऑल्सो अ वेरी बिग रिस्क फॉर बैंक्स। इसके लिए बैंक्स ऑलवेज प्रोवाइड फॉर दिस रिस्क। इनफैक्ट बैंक्स प्रोवाइड फॉर मार्केट, क्रेडिट एंड अभी लास्ट हम लोग करेंगे ऑपरेशनल। दीज 3 रिस्क हैव टू बी प्रोवाइडेड फॉर एज पर रेगुलेशन। ये आपको मेजर करके इनकॉर्पोरेट हमेशा करना पड़ेगा। तो क्रेडिट रिस्क हुआ। लास्टली इफ वी टॉक अबाउट ऑपरेशनल रिस्क, व्हाट कुड बी ऑपरेशनल रिस्क? यस वर्ड्स पे जाओ ऑपरेशन से। ऑपरेशंस में क्या रिस्क आ सकते हैं बैंक को, मतलब जो भी वर्कर्स हैं उनके साइड से कुछ गड़बड़ कर सकते। ठीक है फाइन, यू आर टॉकिंग अबाउट पीपल, द पीपल इन द बैंक, उनके कारण कोई फेलियर हुआ। और क्या रीजंस हो सकते हैं ऑपरेशंस में? सिस्टम एरर। ओके सिस्टम्स, गुड। व्हाट एल्स? फ्रॉड ठीक है, पीपल एक एस्पेक्ट है। फ्रॉड में एक चीज आप बोल सकते हो, इंटरनल प्रोसेसेस हैव फेल्ड, बेसिकली सर्कमवेंट हो गए। व्हाट एल्स, एनीथिंग एल्स यू कैन थिंक ऑफ? एक्सटर्नल इवेंट रिस्क। वेरी गुड।
एनी एक्सटर्नल इवेंट्स. तो ऑपरेशनल रिस्क का 7 कैटेगरीज होते हैं. फर्स्ट इज इंटरनल फ्रॉड. इंटरनल फ्रॉड में क्या हो रहा है? इंटरनल फ्रॉड में बेसिकली जो एम्प्लॉयज हैं बैंक के, जो बैंक के ही लिए काम कर रहे हैं, दे आर डूइंग सम फ्रॉड. व्हाट कैन दे डू? दे कैन रन सम ट्रेड्स जो अलाउड नहीं है या बैंक से छुप के कर रहे हैं, और दे कैन सैंक्शन लोन्स अगेंस्ट द बैंक पॉलिसीज. सॉरी, कोई कुछ बोल रहे? ओके, तो इंटरनल फ्रॉड बेसिकली बैंक के खुद के एम्प्लॉयज कर रहे हैं. ओके, दिस कैन बी ट्रेडर्स एग्जीक्यूटिंग अनवॉरंटेड ट्रेड्स, इट कैन बी एम्प्लॉयज सैंक्शनिंग लोन्स विच आर अगेंस्ट द पॉलिसी ऑफ द बैंक. एक्सटर्नल फ्रॉड क्या होगा? एक्सटर्नल फ्रॉड में आपका जितना भी साइबर अटैक्स होता है, फिशिंग होता है एटसेट्रा, ऑल ऑफ दीज प्लस रॉबरीज हो गए, ऑल दीज आर एक्सटर्नल फ्रॉड्स. Then we have damage to physical assets. यहाँ पे आते हैं usually external events या natural events, समझ लो. Sorry. Damage to physical assets. मान लो earthquake आ गया, bank का एक building में crack आ गया या building collapse हो गया, तो दिस इज ऑल्सो कंसिडर्ड एन ऑपरेशनल रिस्क. फ्लड आ गया या फिर फायर लग गया, ऑल ऑफ दीज आर डैमेज टू फिजिकल एसेट्स. देन देयर इज ऑब्वियसली सिस्टम फेलियर्स. इसके लिए बैंक्स हैव टू मेंटेन अ डिजास्टर रिकवरी प्लान. तो सिस्टम फेलियर्स हो सकते हैं क्योंकि एंड सिस्टम मीन्स हार्डवेयर एज वेल एज सॉफ्टवेयर. ओके, तो हो सकते हैं कि कोई सर्वर डाउन हो गया, तो उससे जितना भी नेट बैंकिंग है वो अफेक्ट हो रहा है, और एल्स हो सकता है कि टेलीफोनिक कम्युनिकेशन में कोई इशू हो गया, तो उसके लिए हो सकता है जितना भी टेलीफोनिक एक्टिविटीज हो रहा था, लेट्स से कन्फर्मेशन हो रहे थे या ट्रेड्स एग्जीक्यूट हो रहे थे, वहां पे प्रॉब्लम हो गया. फॉर एग्जाम्पल, अभी रिसेंटली जब मार्केट बहुत ज्यादा क्रैश कर रहा था, बहुत ज्यादा बढ़ा था, जब बहुत वोलेटिलिटी आया था मार्केट में, तो बहुत सारे ब्रोकर्स के सिस्टम्स फेल हो रहे थे, बिकॉज ऑफ विच पीपल वर नॉट बीइंग एबल टू एग्जीक्यूट देयर ट्रेड्स. तो सिस्टम फेलियर्स हो गए. उसके बाद देयर इज ऑलवेज एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिसेस. एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिसेस या फिर सेफ्टी एंड हेल्थ, दोनों बोल सकते हो. यहाँ पे आपके एम्प्लॉयज को आपको कॉम्पेंसेट करना पड़ रहा है. मे बी देर आर इंजरीज, देर आर मान लो अभी प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट के ऊपर बहुत फोकस है, तो पॉश के अंदर आपका कुछ हो गया है, तो वहां पे यू हैव टू कॉम्पेंसेट. ऑल ऑफ दीज ऑल्सो कम अंडर ऑपरेशनल रिस्क ओनली, बिकॉज एज पार्ट ऑफ बैंक्स ऑपरेशन ओनली ऑल दिस इज हैपनिंग. देन वी हैव क्लाइंट्स, प्रोडक्ट्स या फिर बिजनेस प्रैक्टिसेस. तो पहला वाला हम लोग बोल रहे थे एम्प्लॉयज के साथ कुछ गलत हो गया, सेकेंड वाले में हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग का क्लाइंट्स या जो भी बिजनेस है उसमें कुछ गलत हो गया. फॉर एग्जाम्पल, मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, राइट? दिस इज देयर. कितना हो गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6. लास्ट वन इज एग्जीक्यूशन, डिलीवरी एंड प्रोसेस मैनेजमेंट. ओके, यहाँ पे क्या होगा? ये सब होगा बेसिकली, मान लो लोन नंबर में लोन अमाउंट गलत लिख दिए, जो एम्प्लॉई था वो गलत लोन अमाउंट लिख दिया, डेटा एंट्री में एरर हो गया, या फिर डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम हो गया, कोई डॉक्यूमेंटेशन मिसिंग चला गया, तो ये सब चीज आएगा अंडर एग्जीक्यूशन, डिलीवरी एंड प्रोसेस मैनेजमेंट. ओके, नाउ सिंस दिस इज
मोस्टली अ थ्योरेटिकल चैप्टर, तो नंबर वन ये थोड़ा सा लेंदी बोरिंग लग सकता है, बट नंबर टू बिकॉज इट्स थ्योरेटिकल आपको एमसीक्यूज में ये सब पूछा जा सकते हैं. दे माइट आस्क यू कि क्लासिफाई अ पर्टिकुलर रिस्क, जो भी इवेंट हुआ है कि वो क्या टाइप का रिस्क को अराइज कर रहे हैं. तो इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू रीड ऑल दिस वेल एंड यू ऑल्सो मेमोराइज टू सम एक्सटेंट कि क्या क्या होते हैं. ओके, अंडरस्टैंडिंग एज वेल एज मेमोराइजिंग इज इम्पॉर्टेंट इन दीज चैप्टर्स. इसके बाद वी हैव स्ट्रेटेजिक रिस्क एंड रेप्यूटेशनल रिस्क. स्ट्रेटेजिक रिस्क में क्या होगा, बैंक के बिजनेस स्ट्रेटेजी में कोई प्रॉब्लम है, सम स्ट्रेटेजी हैज फेल्ड. बैंक लेट से कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, वो प्रोडक्ट एकदम नहीं काम किया, इट रैन इनटू ह्यूज लॉसेस, स्ट्रेटेजिक रिस्क. रेप्यूटेशनल रिस्क इज बैंक डूइंग एनीथिंग विच इज गिविंग अ क्वेश्चन ऑन द रेप्यूटेशन. रिमेंबर बैंक्स के लिए रेप्यूटेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. आज आप कोई भी स्मॉल बैंक में जल्दी से अपना रुपया नहीं डालोगे बिकॉज बैंक्स आर पीपल यू आर ट्रस्टिंग योर मनी विथ. तो दैट हैज टू बी वेरी वेरी हाईली रेप्यूटेड. आज कोई भी बैंक के बारे में, इनफैक्ट लेट मी यहाँ पे किसी को सिलिकॉन वैली बैंक एंड अमेरिका में जो भी लास्ट ईयर बैंक्स का हुआ था उसके बारे में किसी को पता है? बैंक रन्स हुए थे, एनीवन हियर अवेयर ऑफ दैट? ओके, तो शॉर्ट में आई विल जस्ट टेल यू व्हाट हैपेंड वाज कि जो बैंक्स थे उन लोग को अ लॉट ऑफ देम हैड इन्वेस्टेड इन टी बिल्स. ओके, अब क्या हुआ, सडनली थोड़ा सा लिक्विडिटी क्रंच आया, दे हैड टू सेल ऑफ देयर टी बिल्स. लिक्विडिटी क्रंच आने का भी बहुत सारे रीजंस था, वो सब बैक स्टोरी वी विल डू इन डिटेल. वन डे आई विल टेल यू ऑल 3-4 मेजर केस स्टडीज जो जो हुए थे उन सब के बारे में, आई विल टेल यू ऑल इन डिटेल एंड आई विल शो यू ऑल सम वीडियोज ऑल्सो, तब हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे. बट बेसिकली क्या हुआ था, बैंक्स को लिक्विडिटी क्रंच के कारण दे हैड टू सेल ऑफ देयर टी बिल्स एंड इंटरेस्ट रेट सिचुएशन के कारण टी बिल्स हैड टू बी सोल्ड एट very very low prices, क्योंकि obviously stress selling हुआ था. ये हुआ एक bank के साथ. अब जब ये हुआ, banks couldn't meet liabilities. The banks couldn't meet the liabilities क्योंकि उन लोग का liquidity नहीं match हुआ. इससे क्या हुआ, bank runs होने लगा. Bank run क्या होता है, bank run होता है जब सारे क्लाइंट्स आर वांटिंग टू विड्रॉ देयर मनी एट वन टाइम. तो इसीलिए बैंक रन्स होने लगे. बैंक रन्स क्यों होने लगे, क्योंकि मार्केट में ये बात फैल गया. मार्केट में ये बात फैल गया कि बैंक्स आर हैविंग टू डिस्ट्रेस सेल देयर ट्रेजरी बिल्स एंड एसेट्स एंड उनका लिक्विडिटी नहीं मीट कर पा रहे. तो ऑब्वियसली आज आपका अगर एक्स बैंक में रुपया डाला हुआ और आपको ये न्यूज मिलने आएगा कि इस बैंक को, बैंक के पास रुपया का कमी है, तो आप क्या करोगे, आप चाहोगे कि सबसे पहले यू गो एंड यू एटलीस्ट रियलाइज योर मनी वॉट एवर इज केप्ट इन द बैंक. तो इसीलिए बैंक रन होने लग गए. ओके, सो दिस इज व्हाट रेप्यूटेशन रिस्क डज टू अ बैंक. एंड ऑब्वियसली बैंक जब नहीं मीट कर पाएगा उस लिक्विडिटी को, दैट टाइम दे विल हैव टू डिक्लेयर बैंक्रप्टसी, क्योंकि दे डोंट हैव द मनी टू मीट द लायबिलिटीज. हो सकता है पूरे बैंक्रप्सी तक नहीं जाए, पर एक बार के लिए मॉरिटोरियम में तो जाना ही पड़ेगा. ओके, क्लियर है यहां तक, किसी को भी कोई डाउट? ओके, सिंस वी आर ऑन द टॉपिक ऑफ बैंक रन्स, लेट्स कवर वन मोर टॉपिक.
इस वर्ड से क्या समझ आ रहा है? व्हाट डू यू थिंक इज डिपॉजिट इंश्योरेंस? जो हम लोग बैंक में डिपॉजिट करें उसका भी इंश्योरेंस होगा। यस राइट। आई नो थोड़ा सा अजीब लगता है सुन के कि इस चीज का भी इंश्योरेंस, बट बिकॉज ऑफ बैंक फेलियर्स, बिकॉज ऑफ बैंक फेलियर्स सम कंट्रीज, ये सब कंट्रीज में नहीं होते हैं, यूएस में है, तो यूएस में यूजली अराउंड $250,000 के आसपास का होते हैं इंश्योरेंस लिमिट, मतलब कवरेज 250,000 के आसपास का होते हैं। तो बेसिकली द मनी विच यू आर कीपिंग इन द बैंक इन द इवेंट ऑफ बैंक फेलियर, इफ यू आर अनेबल टू गेट योर मनी, देन जो भी इंश्योरेंस प्रोवाइडर है दे आर गोइंग टू कॉम्पेंसेट यू। ओके, तो ये होता है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड मेनली यूएस में बहुत प्रेवलेंट है। बट इसका ड्रॉबैक क्या आएगा, क्या लगता है व्हाट विल बी द ड्रॉबैक ऑफ डिपॉजिट इंश्योरेंस? हाई प्रीमियम्स? नहीं मतलब वो तो इंश्योरेंस कंपनीज का बिजनेस ही है ना, उन लोग प्राइसिंग वैसे ही करेंगे, हाई नहीं होगा। रिस्क क्या होगा कि इंश्योरेंस ले लिए, लेट्स से आई एम रनिंग अ बैंक, मेरे सब कस्टमर्स डिपॉजिट इंश्योरेंस ले चुके हैं अपना, तो व्हाट विल बी द रिस्क इन सच अ सिचुएशन? अच्छा थोड़ा सा सिंपलर लेवल पे आते हैं। यू हैव बॉट अ कार एंड आपने वो कार का इंश्योरेंस ले लिया एंड इंश्योरेंस कंपनी ने बोल दिया आपके गाड़ी को कुछ भी होगा, या फिर चलो कार भी छोड़ो फोन का बात करते हैं, फोन पे इंश्योरेंस ले लिया ठीक है, प्रीमियम दे दिया एंड इंश्योरेंस कंपनी बोल दिया फोन को कुछ भी हो, इट डजंट मैटर वारंटी के अंडर कवर्ड है नहीं है, एनीथिंग हैपेंस टू द फोन वी विल let's say we will reimburse you any costs which you have to incur. So what is the risk over here? Aisa situation mein kya hone ka dar hai? What will you do? Won't you start becoming very careless with your phone? Koi friend bolega ki chalo try karte hai ye phone actually waterproof hai ki nahi, aapka to dar khatam hai, aap dal doge usko pool mein lake mein. Because you know ki the insurance company is going to reimburse you. They don't care what happened to your phone. Kuch bhi honestly un log reimburse kar rahe hain. Un log nahi check karenge ki aap kis situation mein jaake ye kiye ho. Right? Because you know ki aapka rupya nahi lagne wala isme. Isko kya bolte hain? This is called moral hazard. And this is a very big risk for insurance companies. ओके क्या होता है कि मॉरल हैजर्ड मतलब यू आर गोइंग बेसिकली अगेंस्ट योर मॉरल्स, इट्स डायरेक्टली अफेक्टिंग योर मॉरल्स दैट बिकॉज यू हैव समवन एल्स पेइंग द अमाउंट फॉर योर एक्टिविटीज यू कैन इंडल्ज इन व्हाटएवर यू वांट। समझ में आया मॉरल हैजर्ड क्या होता है? अब इस एग्जाम्पल को बेस लेके ट्राई एंड फिगर आउट कि डिपॉजिट इंश्योरेंस में मॉरल हैजर्ड क्या हो सकते हैं। जो डिपॉजिटर है वो तो अपना रुपया रख चुका है बैंक में, वो अब उसका कुछ नहीं कर सकता, रुपया किसके हाथ में है? बैंक के पास है। अब बैंक क्या करेगा उस रुपया का? जब बैंक को पता चल जाएगा कि डिपॉजिटर हैज टेकन डिपॉजिट इंश्योरेंस, द बैंक विल स्टार्ट टेकिंग अप हायर रिस्क्स, क्योंकि बैंक को पता है कि बैंक अगर नहीं मीट कर पाया
बैंक अगर नहीं मीट कर पाया डिपॉजिटर के डिमांड को, व्हेन द डिपॉजिटर कम्स आस्किंग बैक फॉर द मनी, देन द बैंक इज स्ट्रेस्ड बिकॉज दे नो दैट इवन इफ आई डोंट गिव द इंश्योरेंस कंपनी विल गिव, राइट? तो बैंक्स विल स्टार्ट टेकिंग अप हायर रिस्क्स एंड दिस विल बी अ मॉरल हैजर्ड. ओके, अब जो डिपॉजिट इंश्योरेंस होता है, ऑब्वियसली what you said, premiums high is actually a mitigation strategy for this. It is a mitigation strategy for this ki higher premiums dene padenge banks ko, to isiliye wo premium ko set off karne ke liye they will have to do something, right? So number one, ek mitigation hota hai higher premiums. Second is regulations, bahut strict regulations impose hote hain on banks. Okay, and thirdly what happens is capital requirements. Abhi hum log karenge regulations on capital, usme we will see that the capital jo bank ko maintain karna hota hai is completely dependent on the kind of risks that the bank is taking up. Theek hai, clear deposit insurance? Okay. Now let's come to regulations. So as I said, banks are heavily regulated. सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बैंक के कैपिटल रिक्वायरमेंट्स का. व्हाई डू बैंक्स हैव स्ट्रिक्ट कैपिटल रिक्वायरमेंट्स? क्या करेगा वो कैपिटल बैंक्स के लिए? बैंक को तो रुपया ऑलरेडी मिल रहा है डिपॉजिटर्स से, उसको कैपिटल क्यों चाहिए? कि एट द टाइम ऑफ एनी भाई बैंक रन्स एंड ऑल वापस पे करने का पैसा हो. एग्जैक्टली, इट इज बेसिकली कुशनिंग. One in every 1000 years जो इवेंट हो सकते हैं, कैन यू इमेजिन 1 in 1000 years किसको बोलते हैं? बैंक्स हैव टू मेंटेन सफिशियंट कैपिटल कि अगर कोई 1 in 1000 years वाला इवेंट भी हो तो उन लोग उसके लॉस को बेयर कर सकते हैं. ओके, एंड बैंक्स को ऑब्वियसली दो टाइप का कैपिटल होते हैं. एक होता है इकोनॉमिक कैपिटल एंड एक होता है रेगुलेटरी या सॉल्वेंसी, और मिनिमम कैपिटल भी बोल सकते हैं कभी. डिफरेंस क्या होता है? ये होता है रेगुलेशन बेस्ड एंड ये होता है नीड बेस्ड. इकोनॉमिक कैपिटल इज एज इफ द बैंक इज डूइंग एनी बिजनेस, तो इसीलिए वो अपना एस्टिमेट करते हैं कि मेरे को इतना लगेगा. बट जो रेगुलेटरी या सॉल्वेंसी कैपिटल या फिर मिनिमम कैपिटल होते हैं, दैट कैपिटल इज व्हाट द रेगुलेशंस हैव मैंडेटेड. तो ऑलवेज इकोनॉमिक कैपिटल इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू रेगुलेटरी कैपिटल, क्योंकि रेगुलेटरी तो मेंटेन करना ही होगा. अब जो रेगुलेटरी कैपिटल होते हैं वो कैसे कैलकुलेट होते हैं? कुछ नॉर्म्स हैं जिनका नाम है बेसिल नॉर्म्स. ओके, बेसिल एक कमिटी है. बेसिकली ये नाम आया था बिकॉज ऑफ द प्लेस जहाँ पे ये सारे डिस्कशंस हुए थे. ओके, जब ये फोरम बना था, इट वाज बेसिकली कि सब कंट्रीज के जितने भी बैंक रेगुलेटर्स थे, they came together and they gave in their ideas to ensure ki ek aisa regulation bane for banks ki across the globe banks maintain sufficient capital. Okay, now what happens is pehle obviously koi bhi jab regulation aate hai it has to be updated continuously, kyunki
It is very tough to fathom all the risks that are going to arise in the future. Right? तो पहले जब बेसिल कमिटी बना था, जब फर्स्ट सेट ऑफ रेगुलेशंस निकला था, तो उस टाइम पे खाली क्रेडिट रिस्क था. ओके? जो बेसिल वन निकला था उसमें खाली क्रेडिट रिस्क कवर हुआ था, विच मीन्स कि बैंक्स विल हैव टू मेजर द क्रेडिट रिस्क ऑन देयर बुक्स एंड उतना क्रेडिट रिस्क के हिसाब से उन लोगों को कैपिटल रखना होगा. फिर क्या हुआ, उसके बाद में अमेंडमेंट आया. अमेंडमेंट आया, स्टैंडर्ड नहीं चेंज हुआ, सिर्फ वही अमेंड हुआ, दे इनकॉर्पोरेटेड मार्केट ऑल्सो. उन लोग बोले मार्केट रिस्क इज ऑल्सो अ वेरी बिग रिस्क फॉर बैंक्स, सो दे हैव टू कवर मार्केट एज वेल एज क्रेडिट रिस्क. ओके? फिर फाइनली आफ्टर मेनी 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 ईयर्स, क्योंकि ऑपरेशनल रिस्क इज वेरी टफ टू वैल्यू. आप सोचो ऑपरेशनल रिस्क में इतना कुछ हो सकता है. मार्केट रिस्क में यू स्टिल हैव डेटा, मार्केट रिस्क में यू आर स्टिल डीलिंग विथ क्वांटिफाइबल लॉसेस. ऑपरेशनल रिस्क में इट इज वेरी टफ टू क्वांटिफाई योर लॉस, वेरी वेरी टफ टू क्वांटिफाई योर लॉस, राइट? तो बट फाइनली बहुत मेहनत के बाद दे चेंज द रेगुलेशन इन ऑर्डर टू इनकॉर्पोरेट ऑपरेशनल रिस्क एज वेल. ठीक है, तो ये तीनों रिस्क मिला के जो भी रिक्वायरमेंट आएगा कैपिटल का, उसके हिसाब से मेंटेन होगा. ओके? एंड ऑल्सो कि ये तीनों को कैलकुलेट करने के जो मेथड्स हैं, टिल डेट दे गेट अपडेटेड. वी डोंट हैव दिस इन डिटेल इन द करिकुलम राइट नाउ, बट टिल डेट दे अपडेट हाउ दीज वैल्यूज हैव टू बी कैलकुलेटेड. क्योंकि कितना भी क्वांटिफाइबल हो, देयर इज ऑलवेज सब्जेक्टिविटी एंड एस्टिमेशन इन्वॉल्व्ड. ओके? तो इसीलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये रेगुलेशन एवरी बैंक हैज टू फॉलो. एंड इसके लिए प्रॉपर इनफैक्ट इंश्योरेंस कंपनीज में भी होते हैं, बैंक्स में भी होते हैं, इन लोग का प्रॉपर ऑडिट्स होता है टू फाइंड आउट वेदर कैपिटल रिक्वायरमेंट्स आर सफिशिएंट और नॉट. अच्छा, एक और चीज क्रेडिट रिस्क के बारे में, हम लोग क्रेडिट रिस्क बात किए थे लोन्स पे होते हैं, प्लस ऑल्सो और भी डेरिवेटिव्स एंड ऑल, जो भी बैंक जितना भी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, जहां जहां पे भी रुपया लगाते हैं, सब जगह से क्रेडिट रिस्क आते हैं. एक और रेगुलेशन है कि बैंक्स को यूजुअली कुछ कंट्रीज में है कि कमिंग 12 मंथ्स में जो भी एक्सपेक्टेड लॉसेस है उनको वो दिखाना होता है. तो फॉर एग्जाम्पल बैंक का एसेट साइड में ऑन द बैलेंस शीट लोन्स कहाँ एग्जिस्ट करेंगे एज एसेट्स, राइट? बिकॉज लोन से उनको रुपया वापस मिलने वाले हैं, तो एसेट्स में लोन्स होगा. ऑन द बैलेंस शीट बैंक्स हैव टू शो एक्सपेक्टेड लॉसेस, दे हैव टू सब्ट्रैक्ट एक्सपेक्टेड लॉसेस ऑन द फेस ऑफ द बैलेंस शीट फ्रॉम लोन्स एडवांस. एंड यूजुअली ये होते हैं एक्सपेक्टेड लॉसेस इन नेक्स्ट 12 मंथ्स, कभी कभी हो सकता है ओवर लाइफ भी हो, डिपेंडिंग ऑन रेगुलेशन कि अगला 12 मंथ्स का लॉस या तो आपको दिखाना होगा या फिर ओवर द इंटायर लाइफ ऑफ द बैंक कितना लॉसेस एक्सपेक्टेड है. ओके? एंड जरूरी नहीं है कि ये लॉस हो गया या लॉस इवेंट हो गया, दिस इज कंप्लीटली एन एस्टिमेट. और ये सब इसका गाइडलाइंस दिया हुआ रहता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं. तो फॉर एग्जाम्पल इंश्योरेंस कंपनीज के लिए IFRS 17 होता है, बैंक्स के लिए IFRS 9 होते हैं. स्टैंडर्ड नंबर 9 इज फॉर बैंक्स, उसमें बताया जाता है हाउ टू कैलकुलेट दिस एंड हाउ टू प्रेजेंट दिस. सो दिस इज ऑल्सो वन रेगुलेशन फॉर क्रेडिट रिस्क. ओके? 1 in 1,000 years, I've already told you over the regulation. All right. Now, as I said, ye teeno ko calculate karne ka methods are continuously updated. Now, what happens is, ki ek to ho sakte ki jo regulatory bodies hain, un log ek standard model nikal dein.
उन लोग एक मॉडल रिलीज कर दे, मान लो सब्सक्रिप्शन बेसिस पे या जो भी, जिसमें आपको कुछ इनपुट्स डालने होंगे अपने बुक्स के हिसाब से. यू हैव टू पुट इन सम इनपुट्स, लेट्स से आपका लोन क्या है, रेटिंग क्या है लोन्स का, ऐसे करके डेटा डालने से यू विल गेट एन आउटपुट ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट एज पर बेसिल यू विल गेट. दैट इज वन वे. वी नो हर बैंक का जो बुक्स होता है, हर बैंक का जो मिक्स होता है ऑफ बिजनेस इज वेरी डिफरेंट. द काइंड ऑफ रिस्क दैट एवरी बैंक टेक्स इज वेरी डिफरेंट. तो इसीलिए बहुत बार एक स्टैंडर्ड मॉडल माइट नॉट बी अ सोल्यूशन टू कैपिटल रिक्वायरमेंट्स. इसीलिए बैंक्स, इसलिए रेगुलेटरी बॉडीज अलाउड इंटरनल मॉडल्स. रेगुलेटरी बॉडीज अलाउड इंटरनल मॉडल्स टू बी बिल्ट बाय बैंक्स देमसेल्व्स. उन लोग कुछ गाइडलाइंस दे दिए कि इंटरनल मॉडल्स को क्या क्या कंडीशंस मीट करने होंगे, एंड उन लोग बोले बैंक्स को कि आप अपने रिक्वायरमेंट्स के, अपने बिजनेस के हिसाब से खुद इंटरनल मॉडल बना लो. राइट. बट ऑफकोर्स ये काम नहीं कर पाया क्योंकि इंटरनल मॉडल्स को लोग बहुत मैनिपुलेट करने लगे. जब क्राइसिस हुआ 2007-8, बिगेस्ट फिनेंशियल क्राइसिस, इसके बारे में भी वन डे वी विल टॉक मे बी टुमारो. 2007-8 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस था उस टाइम पे, एंड ऑफ कोर्स और भी जो क्राइसिस हुए हैं सारे, उससे बेसिल कमिटी को रियलाइज हुआ कि इंटरनल मॉडल्स पे हम लोग ज्यादा रिलाई नहीं कर सकते क्योंकि देर इज लॉट ऑफ फ्रीडम गिवन टू द बैंक्स ओवर योर. तो इसीलिए पहले तो उन लोग ने क्या किया, सबसे मुश्किल है ऑपरेशनल रिस्क. राइट. ऑपरेशनल रिस्क को उन लोग ने कंपलसरी कर दिया स्टैंडर्डाइज्ड. दे सेड यू हैव टू यूज द स्टैंडर्डाइज्ड मॉडल फॉर ऑपरेशनल रिस्क. मार्केट रिस्क और क्रेडिट रिस्क के लिए दे गेव एन ऑप्शन. उन लोगों ने ऑप्शन दिया स्टैंडर्डाइज्ड और इंटरनल. इंटरनल आपको सबसे पहले तो रेगुलेटर से अप्रूव कराना होगा, एंड आपको स्टैंडर्ड मॉडल से मेजर करना होगा, एंड यू हैव टू इंश्योर कि 72.5% मीट होना चाहिए. विच मीन्स अगर आपका स्टैंडर्डाइज्ड मॉडल से लेट्स से 200 का आ रहा है कैपिटल रिक्वायरमेंट, 200 मिलियन मान लो, तो इंटरनल मॉडल से आपका कम से कम 72.5% आना चाहिए, विच इज 145. वन फोर्टी फाइव के नीचे अगर आया इंटरनल मॉडल का आउटपुट, देन योर इंटरनल मॉडल फेल्स. इट हैज टू बी एटलीस्ट 145 मिलियन. क्लियर है? एनी डाउट्स अप टिल योर? नहीं, सॉरी. नो डाउट्स. ओके गुड. इंटरेस्टिंग है. यू वॉन्ट मी टू चेंज एनी वे वट एवर आई एम एक्सप्लेनिंग, सिंस इट्स द फर्स्ट क्लास, तो इट्स इम्पॉर्टेंट दैट ऑल ऑफ अस आर ऑन द सेम पेज कि हाउ वी वॉन्ट टू प्रोसीड विद द क्लास. इफ यू ऑल वॉन्ट आई कैन ऑल्सो मेक यू ऑल डू अ रीडिंग इंस्टेड ऑफ एक्सप्लेनिंग. नोट्स लिख के हम लोग सीधा मटीरियल भी रीड कर सकते हैं, बट इफ यू वॉन्ट एक्सप्लेनेशन देन वी कैन डू इट लाइक दिस ऑल्सो. नहीं दी, एक्सप्लेनेशन ही ठीक है. रीडिंग कर करके थक गए फर्स्ट बुक. रीडिंग तो करना पड़ेगा, लेकिन इवन आफ्टर माय एक्सप्लेनेशन एक बार यू विल हैव टू गो थ्रू द चैप्टर्स. वो अलग है, बट अभी एक्सप्लेनेशन ही ठीक है. ठीक है. ओके. एवरीवन इज गुड विद दिस? एनीवन हु डिसएग्रीज? देन वी कैन फिगर आउट अ मिडवे और समथिंग. ठीक है. तो अभी इट्स 10. आज हम लोग यहीं तक रखते हैं. वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर टुमोरो. ओके. जो भी बचा है वी विल कंटिन्यू
अराउंड 3-4 टॉपिक्स हैं जो हम लोग को कवर करने हैं बैंकिंग में. वी विल कवर दोज टॉपिक्स एंड देन वी विल लुक एट क्वेश्चन आंसर्स, ताकि हम लोग का एक क्विक रिविजन हो जाए फॉर द इंटायर चैप्टर. ऑलराइट? ओके. So I hope all of you liked today's session and try and go through. Aaj hum log class mein jo bhi topics kiye hain, you can go through the material and see agar koi bhi doubt, so anything that's written, any example that's given jo nahi samajh mein aaye, you can ask me in the other sessions. Theek hai? So we'll keep it till here today. Thank you so much, all of you. Thank you.